नमस्कार, जबलपुर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के संदर्भ में प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान का नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के सदस्यों और महिलाओं ने विरोध किया। मालवीय चौक पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर महिलाओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा संस्थान OFK के फीलिंग सेक्शन में शुक्रवार को सुबह से शाम 5 बजे तक 24 संदेही बांग्लादेशियों ने सख्त पहरे में काम किया। इन श्रमिकों को लंच टाइम में भी सुरक्षा विभाग ने निर्माणी से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। लंच के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने इन संदेहियों के खाने की तलाशी ली तो एक के टिफिन में रोटियों के बीच में छिपा कर रखा गया मोबाइल फोन मिला। ओमती क्षेत्र में कॉलेज की एक छात्रा से बस में आए दिन एक युवक छेड़छाड़ करता था, जिससे तंग आकर छात्रा ने विरोध किया तो युवक बिफर गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। इससे छात्रा घबरा गई और परिजन को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन ने ओमती थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बसों के इंतजार में शुक्रवार को यात्री हलाकान रहे। सबसे ज्यादा परेशानी मंडला डिंडोरी मार्ग के यात्रियों को हुई, क्योंकि शेड्यूल में आयोजित किए गए सरकारी कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए जबलपुर से 110 बसें अधिकृत की गई थी। करीब 50% बसें मंडला डिंडोरी मार्गों से ली गई। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली रविवार को दोपहर 3 बजे कटंगा में कैंट की जबलपुर न्यायपीठ के कार्यालय सह आवासीय भवन का शिलान्यास करेंगे। उप रजिस्ट्रार ने यह जानकारी देते हुए उपस्थित की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।